गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हैं तो इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर लेना चाहिए। तो इग्नू वेबसाइट पर जाकर आप किस पेज से, किस लिंक से अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर पाएंगे, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में आपको इग्नू वेबसाइट शेयर की है, आप लोग इस वेबसाइट पर पहले भी आए होंगे। आपको इस वेबसाइट पर यहाँ देखें स्टूडेंट सपोर्ट वाले पेज पर जाना है। स्टूडेंट सपोर्ट के पेज पर गए, वहाँ फिर हम ड्रॉप डाउन मेनू में देखेंगे स्टूडेंट जोन आता है, आप स्टूडेंट जोन पर क्लिक करेंगे तो जो अगला पेज आएगा ये स्टूडेंट जोन है। इसमें बहुत सारे उपयोगी लिंक्स आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन स्टेटस नाम का लिंक है, इस पर जाना है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल का पेज आपके सामने प्रस्तुत है। इस पेज में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड फीड करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे फीड कर रहा हूँ, संभवतः ये बीए जी के छात्र हैं और ये कैप्चा मैंने फीड किया। तो ये देखिए, अभिषेक थापा नाम के स्टूडेंट हैं जिनका ये रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। इस पेज में आप देखेंगे कि स्टूडेंट से संबंधित तमाम जानकारियाँ यहाँ पे अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग कि एनरोलमेंट नंबर क्या है, प्रोग्राम कोड क्या है, मीडियम क्या है या इनका एडमिशन ईयर क्या है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनका एडमिशन जनवरी 2021 सेशन में हुआ है और इनका मैक्सिमम जो वैलिडिटी है वो दिसंबर 2026, यानी कि 6 साल का इन्हें समय मिला है। यहाँ पे देखेंगे इनका फादर का नेम या गार्जियंस नेम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दी गई है, इनका एड्रेस दिया गया है, रीजनल सेंटर का कोड है, स्टडी सेंटर कोड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आप चेक कर लेंगे। यदि इनमें कोई त्रुटि होती है, यदि आपके मुताबिक इसमें कुछ गलती है तो आप इसकी सूचना रीजनल सेंटर को ईमेल के द्वारा या बाई पोस्ट कर दें। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट द्वारा लिए गए फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में कौन कौन से कोर्सेज हैं या सब्जेक्ट रजिस्टर्ड हैं, इनका यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। इसके बेसिस पे आप इतने ही असाइनमेंट आपको बनाने हैं और इतने ही एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना है, तो ये आपको आइडिया यहाँ से लग जाएगा। नीचे देखेंगे बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे उपयोगी लिंक हैं, आप इसे खुद से ट्राई करिए, ओपन कीजिए। तो इस पेज का जो प्रिंट आउट है आपको ले लेना है और अपने पास सुरक्षित रखना है। तो इस वीडियो का पर्पज यही था कि आप इस पेज पे जाएं और इसको देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।